भाई निशाना चूकना नहीं चाहिए। 3-2 एंड ये ले, और फाइनली निशाना लग गया भाई साहब अपना। और अब किस तरफ गोली चलाऊं भाई, अपने निशाने भी तो पक्के करने हैं ना, तो अब किस चीज पर निशाना लगाऊं। और ये एसी जो है भाई, इस एसी पर लगा के देखता हूँ। 3-2 और ये ले, और फाइनली लग गया भाई। यस ओके, अब ये भी एसी नहीं छोड़ूंगा। 3-2-1 और ये भी निशाने तो भाई अपने पक्के हो रहे हैं फिर। अरे भाई साहब, ये गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है, मेरे को तो डर लग रहा है। अरे चोप, डरने की कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये फेंक भैया के काम है। अरे फेंक भैया कहाँ हो यार? अरे मैं तो इधर अपने निशाने पक्के कर रहा हूँ। अरे क्यों, आज क्या हो गया यार, अपने आप निशाने पक्के करने लग गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गोलियां चला रहे हो, हमें तो डर लग रहा है। अरे तुम लोगों को डर क्यों लग रहा है? अरे फेंक भैया, क्योंकि आप गोलियां चला रहे हो ना, कहीं हमारे ना लग जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सिंचन, मैं भाई उधर गोलियां चला रहा हूँ और तुझे इधर डर लग रहा है। एक मिनट, तुम्हें फिर से एक मिनट अपना निशाना दिखाता हूँ, अपना निशाना भी तो पक्का करना है ना। ओके ये रेड शेड पर, 3-2 ये ले, और वो देख भाई नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पर, तो इस पर मार के देखता हूँ ये चीज, और वो देख निशाना लगा ना। अरे फैबिया हाँ यार, आपका तो बहुत पक्का निशाना हो गया। अरे ऐसे थोड़ी ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, काफी देर से मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज प्रैक्टिस कर ली जाए। अरे भाई साहब, लेकिन किसी के घर पे क्यों गोलियां मार रहे, बाहर जाके कहीं प्रैक्टिस करना है जंगल में? अरे इतना टाइम भी नहीं है भाई, मैं जंगल में जाऊं और वहां जाके निशाने पक्के करूं। यही भाई, यहीं से निशाने अपने पक्के करते हैं ना। और इस पर मार के देखता हूं भाई, ये गमले पर। अरे फैबिया कहीं मेरे ना लग जाए गोली? अरे नहीं लगती भाई, ये चेक कर। आजा सिंचन, अब नीचे आ जल्दी से। अरे भाई कहीं किसी कंपटीशन में हिस्सा तो नहीं ले रहा? अरे नहीं नहीं कौन से कंपटीशन में हिस्सा लूंगा मैं। अरे मैंने समझा शायद कोई लॉस सैंटोस में चैलेंज हो रहा हो ये निशानों वाला, तो शायद तू वहां जा रहा हो। अरे नहीं नहीं चोप, अभी तक हमारे जैसा कोई निशानेबाज पैदा ही नहीं हुआ। अरे भाई साहब, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अरे चोप, तू मेरे को नहीं जानता भाई, मेरे निशाने इतने पक्के है ना, लॉस सैंटोस में ऐसा कोई बंदा है नहीं जो मेरे जैसे निशाने लगाता हो। अरे फैबी ये आपने थोड़ी सी बड़ी छोड़ दी यार, बहुत से लोग मिल जाएंगे लॉस सैंटोस में, और आपने आर्मी वालों के निशाने नहीं चेक किए क्या? अरे हाँ भाई, आर्मी वालों की तो क्या ही ट्रेनिंग है भाई, उनकी तो बात ही अलग है। सिलेंडर फोड़ दूं क्या? अरे भाई साहब पागल तो नहीं हो गया, गैस सिलेंडर फोड़ने लगा है? अरे देखते हैं वैसे होता क्या है भाई, गैस सिलेंडर पर मैं गोली चला दूं क्या? अरे फैबी मत चलाओ यार। अरे तुम लोग साइड पे उड़ जाओ भाई, अभी मैं चलाने वाला हूँ, आज बचने नहीं वाला। 3-2-1 और ये क्या हो गया? अरे फैबी आपको बोला था ना मत करो ऐसा। अरे अरे सॉरी सॉरी भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शीट भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे फैबी हाँ यार, बारबेक्यू वाला भी टूट गया सारा। अबे शीट, अब ये नया बनवाना पड़ेगा, मैंने तो मजाक किया था, मैंने समझा शायद उसमें गैस नहीं होगी, लेकिन भाई ये तो काम गड़बड़ है। तो अभी क्या मूड है? अरे भाई अभी तो कोई मूड नहीं है। तो एक काम करते हैं, चोप तेरे को गाड़ी कौन सी पसंद है भाई, आज तो बता, तेरे लिए वो गाड़ी लाते हैं भाई, और तो कोई काम है नहीं। अरे फैंकी मैं बताऊं कि आपको, तेरे से नहीं पूछा सिंचन, मैंने चोप से पूछा है। चोप बता भाई तेरे को कौन सी गाड़ी पसंद है, आज तेरे लिए वो गाड़ी ला रहे हैं भाई, तू जो गाड़ी का नाम अपने मुंह से निकाल वो गाड़ी तेरे सामने पेश हो जाएगी। अरे भाई क्या बात कर रहे, ऐसी बात है क्या? अरे हाँ चोप, ऐसी बात है, आज तू मांग तो सही जो गाड़ी मांगनी है। अरे भाई साहब, लेकिन जो गाड़ी मैं मांगूंगा मेरे को नहीं लगता वो लॉस सैंटोस में होने वाली है वो गाड़ी। अरे तू छोड़ ना उस बात को भाई, तू बता सही, लैम्बोर्गिनी चाहिए, फेरारी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, लिमोजीन चाहिए, फोर्ड चाहिए, जो गाड़ी चाहिए भाई अभी बता, तेरे को ला के देते हैं। अरे फैबिया बाबा यार, आज तो बहुत बड़ी ऑफर दे दी आपने चोप को। अरे बस ये कभी कभार ही मैं दिल अपना खोलता हूँ, आज चोप तेरे लिए दिल खुला है, तो जल्दी से बोल, नहीं तो ऐसा ना ऑफर खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोल, सोचने तो दे ना। अरे हाँ तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी जल्दी सोच के बता। अरे लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई साहब, जो गाड़ी मुझे चाहिए वो लॉस सैंटोस में होने वाली है। अरे चोप, तेरे को बोला ना भाई, तू उस बात को छोड़, वो लॉस सैंटोस में है या नहीं वो मेरा काम है तेरे को ला के देने की, तू बस बता दे कि तेरे को गाड़ी कौन सी चाहिए। अरे चोप जल्दी से बोल दो यार, कहीं ऐसा ना हो फ्रैंक भैया का मूड बदल जाए, आज फ्रैंक भैया का मूड बहुत अच्छा है, जल्दी से बोलो। अरे हाँ पिंचर, मैं सोच रहा हूँ यार, थोड़ी देर सोचने तो दो। अरे हाँ हाँ यार, जल्दी जल्दी सोचो फिर। तो यार मुझे चाहिए गाड़ी, कौन सी मैं गाड़ी लूँ भाई साहब, ऐसी खतरनाक गाड़ी मैं लेता हूँ जो कभी किसी ने देखी ना हो, तो कौन सी गाड़ी लूँ यार, कौन सी। अबे बोल भी दे अब कौन सी। अरे ठीक, अरे भाई साहब याद आ गया, तो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी भाई साहब ऐसी। अबे कैसी गाड़ी चाहिए? अरे मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें खतरनाक वाला पूल हो, बड़ा सा गाड़ी के ऊपर, पर मस्त सोफे लगे हुए उस गाड़ी के ऊपर, और मैं उस सोफे पर बैठूंगा मजे से, और पूल के नजारे लूंगा, और पूरा लॉस सैंटोस भी घूमूंगा। अरे चोप ये कैसी गाड़ी होती है यार, आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। अरे सिंचन यही तो मैं चाहता हूँ, कैसी गाड़ी मंगवाऊं जो लॉस सैंटोस में पहले कभी किसी ने देखी ना हो। अरे क्या तुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिस पर पूल हो, ऊपर सोफे लगे हुए हो,
हूँ उस गाड़ी के ऊपर। अरे हाँ भाई साहब, ऐसी गाड़ी चाहिए मुझे, ला के दे देगा तू? अरे ये कैसी गाड़ी होती है भाई, लॉस सैंटोस में मिलेगी भी सही? अरे क्यों, क्या हो गया, सोच क्या रहा है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, जो मैं क्या सोचूंगा, फिर चलते हैं, तुझे गाड़ी ला के देते हैं, जल्दी से आओ फिर। तो चलो गाइज, आज हम लोग चोप के लिए गाड़ी खतरनाक सी ढूंढने जा रहे हैं, जो कि इसने बताया है कि भाई उस गाड़ी के ऊपर पूल होना चाहिए और उस पर सोफा भी लगा होना चाहिए। लेकिन गाइज आप लोग बताओ, ऐसी गाड़ी मिलेगी भी सही या नहीं? मुझे तो नहीं लगता भाई लॉस सैंटोस में ऐसी होगी। अरे चोप बाबा यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत खतरनाक वाली गाड़ी तुम्हें मिलने वाली है। अरे ये तो अब पता चलेगा ना, मिलती भी है या ऐसे ही बातें कर रहा था ये कलवा। अरे भाई साहब, अगर हार मानना चाहता है तो अभी बता दे। अरे चोप कैसी बातें कर रहे, हार और मैं कभी भी नहीं भाई, तुम लोग बैठो जल्दी से कार में। लो भाई साहब बैठ गए हम लोग। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं चोप के लिए खतरनाक सी कार ढूंढने के लिए। अरे फैमिली, लेकिन ऐसी कार मिलेगी कहाँ यार, ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी कार जिस पर पूल भी हो और ऊपर सोफे रखे हुए हो। अरे हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या ही करें भाई, लॉस सैंटोस में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना। अरे भाई मेरे को नहीं लगता ये लॉस सैंटोस में मिलने वाली है, लेकिन मेरे को यही गाड़ी चाहिए अगर तू देना चाहता है तो। अरे ठीक है चोप, बस तू देखता जा होता है क्या। अरे भाई क्या होना है, अरे मेरा मतलब तेरी गाड़ी ढूंढते हैं ना हम लोग। अरे लेकिन भाई साहब, अगर तू हार मानना चाहता है तो कोई बात नहीं, हार मान ले। अबे तेरे को बताया ना, मैं हार नहीं मान रहा, और ये पुलिस की गाड़ी भाई किसके पीछे लगी हुई है, हम लोगों को ऐसी भाई हमारे पीछे मत लग जाइयो। अरे फैमिया हाँ यार, वो आपके पीछे भी लग सकती थी, उन्होंने खुद ठोकी आपकी गाड़ी में। अरे हाँ भाई ऐसे ही पागल हो रहे हैं पुलिस वाले। तो अभी वो गाड़ी कहाँ ढूंढे भाई, किसी घर की तरफ ढूंढते हैं, घर कहाँ है? अरे फैमिया ये घर ही है पास में। अरे ये वाले घर नहीं भाई, ये तो अपार्टमेंट्स हैं, हमें किसी कॉलोनी में जाना पड़ेगा जहाँ भाई लोगों की अपनी गाड़ियाँ हों। अरे लेकिन उनके पास ऐसी पूल वाली गाड़ी होगी क्या? अरे फैमिया हाँ यार, ये तो सोचने की बात है, और ये गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं भाई, पागल तो नहीं हो गए? अरे फैमिया पता नहीं आज गाड़ी वालों को क्या हो गया, बार बार ठोक रहे हैं हमारी गाड़ी में। अरे हाँ भाई, आज मैं कोई अच्छी ड्राइविंग ही कर रहा हूँ, लेकिन आज लोग बाज नहीं आ रहे भाई, ऐसे ठोकी जा रहे हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है भाई, वो गाड़ी हमें कहाँ मिलने वाली है? अरे क्या हो गया भाई गाड़ी वालों को? अरे फैमिया पता नहीं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं आज? अरे पता नहीं, मैं लाइन में अपनी सीधी जा रहा हूँ और वो मेरे में आगे ठोक रहा है भाई, पागल। तो मैप में वैसे देखते हैं भाई, यहाँ कॉलोनी कहाँ है, अपने घर और ये यहाँ भाई हमारे पास में सब लोगों के अपने अपने घर हैं। अरे फैमिया हाँ यार, चलो यहीं चलते हैं फिर। तो चलो गाइस यहीं चल के ढूंढते हैं, शायद हमें कोई यहाँ खतरनाक क्लू मिल जाए। अरे फैमिया क्लू नहीं, हमें कार ढूंढनी है। अरे हाँ वही कार ही भाई। अरे भाई साहब मजा आ जाएगा अगर ऐसी कार मिल गई तो। अरे हाँ चोप, ट्राई तो करेंगे फुल वैसी कार ढूंढने की। ओके ये इधर वाली साइड पे जाना है, और ये वो आ चुकी है कॉलोनी भाई, जहाँ हमें हमारी कार मिलेगी। अरे फैमिया किसने बोला मिलेगी यार, अभी तो ढूंढने के लिए निकले हैं ना हम लोग। अरे हाँ भाई, ढूंढने के लिए निकले हैं तो मिल भी जाएगी ना, तो ये इस घर में तो नहीं पड़ी ना। अरे फैमिया नहीं, नहीं यार, यहाँ तो गार्डन है। हाँ भाई यहाँ तो नहीं है। ओके देखना है तुम लोगों ने, साइडों पर देखते जाओ। अरे भाई साहब मेरी नजर का तो पता है ना तुम लोगों को, मैं देखूंगा। हाँ भाई तेरी नजर का हमें पता है, हर रोज यही बात बोलता है तू। अरे भाई क्योंकि मेरी नजर ही बहुत तेज है ना। हाँ भाई पता लग गया है ना, चल जल्दी से अब ढूंढ, ज्यादा बातें मत सुना, यहीं कहीं मिल जाएगी। अरे फैमिली यहाँ तो एक भी कार नहीं खड़ी यार, मुझे नहीं लगता पूल वाली कार यहाँ किसी के पास होगी। अरे हाँ भाई यहाँ तो खटारा कार ये खड़ी है एक, यहाँ तो कोई सुपर कार भी नजर नहीं आ रही, तो पूल वाली कार मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे होने वाली है। अरे फैमिली तो हमें लाई क्यों यहाँ पे? अरे मुझे लगता था ना भाई यहाँ होगी, लेकिन ये खड़ी है किसी की एसयूवी और ये मिनी कार, तो भाई यहाँ तो कोई भी ढंग की कार भी नहीं नजर आ रही, लगता नहीं कि यहाँ पूल वाली कार होगी। अरे फैमिया हाँ हाँ यार, नहीं लगता, चलो कहीं और चलते हैं फिर। अरे मेरे को भी लगता नहीं कि यार यहाँ हमें कार मिलने वाली है वैसी। अरे फैमिया हाँ हाँ यार, चलो फिर किसी और कॉलोनी में चलते हैं। हाँ भाई लगता है जाना ही पड़ेगा किसी और कॉलोनी में। और एक मिनट, ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है इस घर के सामने? अरे फैमिया पता नहीं यार, ये ट्रक क्यों खड़ा है, कुछ तो लोचा जरूर है भाई, इतने खतरनाक घर के सामने कैसा वैसा ट्रक। अरे भाई साहब उतर के देखते हैं ना फिर। अरे हाँ भाई उतर के देखना पड़ेगा ये ट्रक के ऊपर। और ये क्या चीज रखी हुई है ट्रक के ऊपर? एक बास्केट है, और ये इधर से सीढ़ियां भी है भाई। आओ आओ देखते हैं भाई इस ट्रक के ऊपर। और ये क्या चोम? अरे भाई क्या हो गया? अरे यहाँ तो एक पूल है खतरनाक वाला। अरे फैमिया क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई, पूल के साथ साथ सोफे की जगह ये देखो भाई बैठने के लिए, और इसके अलावा बारबेक्यू का भी इंतजाम है। अरे फैमिया बाबा यार, ये तो बहुत खतरनाक ट्रक है। अरे हाँ चोप, तू जो बोल रहा था ना वैसी गाड़ी मिल चुकी है। अरे भाई लेकिन ये तो ट्रक है ना, मैं गाड़ी का बोल रहा था। अबे तेरी जो डिमांड थी ना, वो इसी ट्रक के ऊपर ही पूरी आ सकती थी, कोई गाड़ी पर नहीं। और गाइस ये चेक करो, पू
पूल वाली गाड़ी हमें मिल चुकी है। अरे फैमिली ये गाड़ी नहीं ट्रक। अरे हाँ वही भाई ट्रक पूल वाला। तो क्या बोलते हो सिंचन पिंचन, बोला था ना इसे ढूंढ के दिखाऊंगा। अरे फैमिली हाँ हाँ यार ये तो इसी कॉलोनी में मिल गया। और अभी ज्यादा शोर नहीं करना भाई, कोई देख तो नहीं रहा। अरे फैमिली नहीं नहीं सब लोग मुझे लगता है काम पे गए हुए हैं। अरे चो फिर आजा अपने ट्रक पर नहीं बैठेगा। अरे भाई साहब हाँ यार मैं तो बड़ा खुश हूँ यार पूल वाला ट्रक मिल गया। अरे लेकिन ये इस कॉलोनी में क्या कर रहा था? अबे तू छोड़ ना इस कॉलोनी में क्या कर रहा था, जल्दी से आगे बैठ फिर। तो क्या बोलते हो चलें फिर। अरे फैमिया हाँ यार मजा ही आ गया, ये तो बड़ी खतरनाक गाड़ी है। अरे जल्दी से यहीं से निकलना पड़ेगा भाई, कोई देख ना ले। अरे भाई साहब ये क्या यार पूरा खंभा गिरा दिया हमारे ऊपर। अरे तू तो बच गया ना। और गाइस ये देख सकते हो लिटरली क्या ही खतरनाक ट्रक है जिसके ऊपर पूल भी है। चो अब मजा आ रहा है। अरे हाँ भाई साहब मेरा तो सपना पूरा हो गया, मेरा तो सपना था कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो और आज तो भाई वो पूरा हो गया। अब चलाएगा भी या नहीं? अरे नहीं नहीं भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, वो भी बनवाने वाला है यार, जल्दी से बनवाओ ना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अरे हाँ हाँ भाई वो भी रिन्यू करवाना है। तो गाइस चोप का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है वो एक्सपायर हुआ पड़ा है, तो अभी ये चोप गाड़ी भी नहीं चला सकता। अरे फैमिली उसे छोड़ो आप, और देखो यार यहाँ बारबेक्यू का भी इंतजाम है इस ट्रक के ऊपर। अरे हाँ बड़ा ही खतरनाक, अगर पिकनिक मनाने किसी ने जाना हो तो भाई ये वाला ट्रक मस्त है। अरे फैमिली हाँ हाँ यार ये ट्रक लेकर हम लोग रेगिस्तान में चलेंगे। क्या रेगिस्तान में? अरे फैमिली हाँ यार क्योंकि इसके ऊपर पूल भी है ना। अबे पागल तो नहीं हो गया, रेगिस्तान में तू पिकनिक मनाने जाएगा, 2 दिन में मर जाएगा वहीं। अरे भाई साहब क्या बात है यार, जल्दी से इसकी टॉप स्पीड चेक करवा मुझे। अबे इसकी तू टॉप स्पीड क्या ही चेक करेगा भाई, इतने फीचर है इसमें, तू अभी भी टॉप स्पीड चेक करेगा? टॉप स्पीड नहीं चेक करनी, जल्दी से इसे लेके घर पे निकलते हैं, ऐसा ना हो इसका ओनर की नजर इस पर पड़ जाए। तो इससे तो इसीलिए अच्छा है कि जल्दी से इसे लेके घर पे चलते हैं। तो गाइस आपको वैसे ये ट्रक कैसा लगा? हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी गाड़ी हमें मिलेगी। अरे फैमिली हाँ यार हमें तो लगता था ऐसी गाड़ी है ही नहीं लॉस सैंटोस में, लेकिन तुम लोगों को बोला था ना भाई ढूंढने से मिल जाएगी, और फाइनली हमें ये वाली गाड़ी मिल गई। क्या ओपी कार है। अरे फैमिली हाँ यार कार नहीं ट्रक। अरे वही ट्रक भाई, हमारे लिए तो भाई ये सुपर कार ही है ना। अरे फैमिली मजा आ गया। तो गाइस अगर आपको भी मजा आया इस ट्रक का तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट टाइम किसी दिन इस ट्रक पर पिकनिक मनाने के लिए चलेंगे। अरे फैमिली हाँ हाँ यार जरूर जरूर। और ये आ चुकी है अपनी गली, तो जल्दी से इसे पार्क करते हैं। गैराज में आ जाएगा क्या? अरे भाई पागल तो नहीं हो गया, इतना बड़ा ट्रक तेरे गैराज में कैसे आएगा? तो इसे फिर कहाँ लगाएं, छत पर लगा दे क्या? अरे फैमिली नहीं यार छत पर इसे कैसे पहुंचाएंगे, यही नीचे लगा दो सामने। अरे लेकिन सामने तो जगह नहीं है, मुझे लगता है फिर से हमें गैराज बनवाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ जगह की बड़ी दिक्कत है। लेकिन अभी के लिए भाई वो ऊपर चढ़ा देते हैं, जल्दी से चढ़ जा भाई, और ये इधर लगा देते हैं। चल ये चीज। अरे भाई मजा आ गया यार, ये ट्रक अपने घर पे आ गया ये वाला तो। अरे हाँ भाई अभी मेरे को भी मजे लेने दो। गाइस देखते हैं भाई ये पूल वाला ट्रक कैसा ही हो रखा है। अरे ये तो गर्म पानी है भाई, निकलो बाहर। अरे भाई क्या बात कर रहे, गर्म पानी है क्या? अबे हाँ ये तो जैकूजी है। अरे कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम हम लोग ठंडा पानी लेके चलेंगे। अरे हाँ भाई ये सारा पानी निकाल के इसमें ठंडा पानी भरना पड़ेगा, अब चलो आओ जल्दी से नीचे। अरे फैमिली अब मेरे से भी पूछना कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। अबे नहीं नहीं तेरे से नहीं पूछना, आज चोप की बारी है, चोप एक फिर से गाड़ी मांग। अरे क्या बात कर रहे, सच में एक और गाड़ी मांगू क्या? अरे हाँ चोप मांग ले भाई, आज एक और गाड़ी मांग, वो भी तेरे लिए लाते हैं। अरे भाई तू कितना अच्छा है भाई साहब, मैं तो तेरे को ऐसे ही बुरा समझता रहा। अरे ये जंप क्यों लगा दिया तूने? अरे भाई ये खुशी के जंप है, खुशी के आंसू तो सुने, ये खुशी के जंप भाई पहली बार सुन लो। लेकिन कोई नहीं चोप लगा सकते है भाई खुशी के जंप भी। अरे फैमिली लेकिन आप ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, चोप को आपने 2-2 बार गाड़ियों का पूछ लिया, हमसे एक बार भी नहीं पूछा। अरे सिंचन नाराज क्यों रहे भाई, तुम लोगों को भी बारी मिलेगी ना, लेकिन आज है चोप की बारी। चोप फिर जल्दी से मांगना दूसरी कौन सी गाड़ी चाहिए तुम्हें। अरे भाई साहब मेरे को बर्गर वाली गाड़ी मिल सकती है क्या यार, जिसकी शक्ल बर्गर जैसी हो, क्योंकि मुझे बर्गर बहुत पसंद है और फिर मजे से खाएंगे ना बर्गर। अरे बर्गर ओके, तो चल ठीक है भाई बर्गर वाली गाड़ी तेरे लिए देखते हैं भाई अगर कहीं मिलती है तो। अरे भाई साहब क्या मतलब अगर मिलती है तो? मेरा मतलब ढूंढनी पड़ेगी ना, तो चलो ढूंढने के लिए चलते हैं फिर से। अरे फैमिली लेकिन ये बर्गर वाली गाड़ी कैसी होती है यार, हम लोगों ने तो पहले कभी नहीं देखी। अरे यही तो मैं चाहता हूँ भाई, तुम लोगों ने वैसी गाड़ी पहले देखी ना हो। अरे लेकिन मेरा मतलब है कि वैसी गाड़ी होगी भी सही या नहीं? अरे होगी ना, ढूंढनी पड़ेगी भाई, मिल जाएगी। लॉस सैंटोस में क्या कुछ नहीं मिलता, और जल्दी से अब गाड़ी वाला कोई आ जाए। और ये गाड़ी वाला, रुक रुक भाई साहब रुको रुको, हमें लिफ्ट चाहिए। अरे लिफ्ट तुम्हें क्या करनी है, अरे बचाओ हमें कोई। अरे तुम लोगों को भी बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, भाग जाओ निकलो। अरे भागो भागो, ये गाड़ी छीन ली, कोई बचाओ हमें। अरे भाई साहब शर्म नहीं आती लेडीज से गाड़ी छीन ली तूने? हाँ भाई जब तू हड्डियाँ छीनता है। अरे बाबा वो अलग बात होती है भाई साहब, अलग बात नहीं ना होती भाई, यही बात होती है। तो अभी चलते हैं तेरी बर्गर गाड़ी ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसी गाड़ी कहाँ होगी? अरे फैमिली मुझे लगता है ये अमीरों वाला काम है, तो ये माइकल
अंकल के इलाके में होगी ना। अरे हाँ सॉरी, हाँ भाई साहब ये तो उधर वाली साइड पे होगी किसी अमीर बंदे के पास, तो चलो भाई वहीं चलते हैं और देखते हैं कहीं बर्गर वाली अगर हमें गाड़ी मिलती है तो। अरे फैमिया मुझे नहीं लगता यार बर्गर वाली गाड़ी लॉस सैंटोस में होगी। अरे हार मानना चाहता है तू क्या? अरे ऐसी बातें क्यों करता है जॉब, सुबह से भाई यही बोल रहा है। लेकिन तेरे को बताया ना मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तेरे को बर्गर गाड़ी ढूंढ के दिखाएंगे, अगर नहीं भी मिली तो तेरे को इम्पोर्ट करके देंगे। अरे क्या बात है भाई, बड़ा दिल किया हुआ है तूने तो। अरे मेरा दिल है ही ऐसा, तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस माइकल वाले इलाके में और वहीं चल के देखते हैं भाई किसी के पास अगर बर्गर वाली गाड़ी मिले तो। अरे माइकल वाले इलाके में क्या, माइकल के घर पर ही चलते हैं ना, शायद वो जिम्मी ने ली हो। अरे हाँ वैसे ये भी हो सकता है भाई, जिम्मी के पास भी हो सकती है वो बर्गर गाड़ी, वो भी गाड़ियाँ चेंज करता रहता है, तो चलो उसके पास चल के देख लेते हैं। अरे फैमी मुझे नहीं लगता जिम्मी ने ऐसी गाड़ी ली होगी यार, माइकल अंकल बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जिम्मी को ऐसी गाड़ी नहीं लेके दे सकते। अरे सिंचे तो अभी जिम्मी को नहीं जानता भाई, वो कुछ भी कर सकता है। और ये आ चुका है माइकल का घर, तो गाइस अभी चल के यही देख लेते हैं शायद हमें कोई बर्गर वाली गाड़ी यही मिल जाए। और ये डोर भी खुल गया। अरे फैमी हाँ यार ऑटोमेटिक होगा। अरे ओके अभी देखते हैं भाई इधर कहीं बर्गर वाली गाड़ी। अरे फैमी यहाँ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता भाई जिम्मी के पास होगी। चलो भाई इस इलाके में ही हमें ढूंढनी पड़ेगी इस, ये अमीरों वाली कॉलोनी है भाई खतरनाक, तो इधर कहीं मुझे लगता है मिल जाएगी। अरे हाँ भाई साहब मेरे को भी ऐसा ही लगता है। ओके तो चलो अभी ढूंढते हैं, लेकिन कहाँ ढूंढे भाई, तो इधर वाली साइड पे चलते हैं, मुझे लगता है इधर कहीं हो सकती है। इस घर में देखो, चोप तू देख भाई ऊपर से। अरे हाँ भाई टेंशन मत ले मैं देख रहा हूँ, अबे यहाँ से तो रास्ता ही बंद है। और सामने देख गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। अरे भाई यहाँ नहीं खड़ी वो बर्गर वाली गाड़ी, यहाँ तो बस दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। अबे शेट यार पता नहीं वो बर्गर वाली गाड़ी कहाँ मिलेगी, लेकिन ढूंढनी है भाई आज बर्गर वाली गाड़ी, ढूंढ के रहेंगे चोप को गिफ्ट जो करनी है। अरे क्या बात है भाई साहब मेरे बारे में तो बड़ा सोचने लग गए। अबे ये चैलेंज है भाई, इतना भी नहीं सोच रहा और यहाँ भी नहीं है, ये तो भाई अलग ही सीन है। ओके तो अभी इधर वाली साइड पे चलते हैं, कहाँ होगी गाड़ी और ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। अरे फैमी ये तो नेक्स्ट गली आ गई। अरे हाँ भाई ये तो इधर वाली गली आ गई और ये यहाँ से भी बंद है और मुझे लगता है इस घर में तो नहीं हो सकती। अरे भाई क्या कर रहा है यार वो लड़की जा रही है ऐसे, उसे डरा रहा है। अबे डरा नहीं रहा मैं देख रहा हूँ भाई, यहाँ कहीं गाड़ी खड़ी हो, यहाँ गिराज है भाई इन घर वालों के। और ये मैडम जी बाहर जा रही है, इसे बाहर जाने दो भाई, फिर देखते हैं जल्दी से इसका गिराज ओपन करके। अरे फैमी हाँ हाँ यार मैडम को लेकिन पहले बाहर जाने दो। ओके तो अभी वेट करते हैं। अरे फैमी चली गई होगी मैडम बाहर यार। अरे हाँ भाई वो जा रही है, एक मिनट थोड़ा सा इसे और भी दूर जाने दो। अरे भाई मुझे लगता है गाड़ी मिलने वाली है। अरे फैमिया हाँ हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है। अरे बस ये मैडम भाई थोड़ा सा दूर चले जाए और अभी चलो आ जाओ भाई उतर के देखते हैं। किसी को भनक तक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग भाई गाड़ी लेने के लिए आए हैं, यहाँ घर पर और तो कोई नहीं है ना। अरे फैमिया नहीं यार कोई भी नहीं। अरे ये अच्छा मौका है भाई। और ये क्या, अरे भाई क्या हो गया, ओ माय गॉड ये तो बर्गर कार है। अरे फैमिया हाँ यार ये तो बर्गर कार है मजेदार। और यहाँ भाई इस घर में मिल गई गाइस। और ये सिंचन आगे बैठ चुका है, पिंचन अब तेरे को नहीं बैठा सकता। अरे फैमी ये अच्छा नहीं करते यार, हर बार सिंचन बैठ जाता है आपके साथ। अरे कोई नहीं पिंचन तू भी ऊपर आ। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से बाहर आओ ना। अरे चो वेट कर भाई आते हैं। अरे फैमी लो मैं भी बैठ गया। ओ गाइस ये क्या हो रहा है भाई, हमें बर्गर कार मिल चुकी है, हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अरे फैमी अब निकलो कहीं घर वाले ना आ जाए। अरे हाँ निकलना तो पड़ेगा। और चोप ये देख भाई तेरी ड्रीम कार। अरे भाई क्या बात कर रहे यार, ये तो सच में बर्गर कार मिल गई। अरे हाँ और इसके टायर चेक करो भाई, खीरों से बनाए हुए हैं टायर। अरे हाँ भाई साहब इसके टायर तो खीरे के हैं। चल चोप हम लोग जा रहे हैं, तू ये वाली गाड़ी लेके आ भाई घर पे। अरे भाई पागल तो नहीं हो गया, मैं भी बैठूंगा इसके ऊपर यार, मेरी तो कार थी ये। अरे आ जाना फिर ऊपर बैठ, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। ओए होए हो भाई साहब ये तो कमाल ही हो गया, मजेदार कार है ये बर्गर कार तो। अरे हाँ और इसके टायर गाइस आप लोग चेक कर सकते हो, कितने फनी खीरे के टायर हैं और ये कैसे घूम रहे हैं। अरे फैमी इसके पीछे तो पंखा भी लगा हुआ है, कहीं ये बर्गर कार पानी में तो नहीं चलती। अरे फैमी वो कैसे, अरे ये पंखा भाई छोटी छोटी बोट्स पर लगा होता है जो के पानी में तैरती हैं। अरे भाई तो इसे पानी में ले जाके देख लेते हैं ना। अरे हाँ और ये क्या हो रहा है, अरे फैमी ऐसे खराब हो जाएगी यार, कैसे चला रहे हो। अरे मैं थोड़ा सा पीछे देख रहा हूँ, और ये इसे क्या हो गया भाई गाड़ी वाले को, और ड्रिफ्ट लगा रहा है भाई, इसी चक्कर में दरख्त से भिड़ गया। तो अभी जल्दी से गाइस बीच पर हम लोग पहुंचते हैं, और ये कैसे चल रही है भाई, खीरों के टायर मजा नहीं करवा रहे। अरे तेरे को चलानी नहीं आती भाई, मुझे बैठने दे, अभी तेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ पड़ा है, ऐसे ना हो तेरे को जेल में डाल दे पुलिस वाले। अरे हाँ भाई इसीलिए तो गाड़ी नहीं चला रहा आजकल मैं। कोई नहीं तेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी रिन्यू करवाते हैं, तो चलो जल्दी से बीच पर पहुंचते हैं। लेकिन गाइस तुम लोग देख सकते हो कितनी मजेदार लग रही है ये बर्गर कार, और इसकी टॉप स्पीड 119, और किसी से भिड़े मत शिट भाई। अरे नहीं इसका क्या ही खराब होगा, मेरे को तो लगता है ये पानी में भाई चल सकती है, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा पंखा लगा हुआ है। अरे फैमी हाँ हाँ यार घुसा दो पानी में। अरे लेकिन मेरी कार का तुम लोग खराब मत कर देना भाई साहब, लेकिन खराब की तो फिर तुम
लोगों की खैर नहीं। अरे नहीं खराब होने वाली चोप, टेंशन क्यों ले रहा है। तो चलो गाइस इसे पानी में घुसाने का टाइम आ गया और देखते हैं भाई इसका पंखा। ओ ये चल चल भाई ये क्या हो गया। अरे भाई साहब ये देखो ये तो गाड़ी रुक गई। अरे बापरे अब क्या होगा। अरे ये गाड़ी को क्या हो गया भाई, चल ना गाड़ी। अरे फैमिया पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। और इसका फैन नीचे वाला नहीं घूम रहा क्या। अरे फैमिया नहीं यार वो तो नहीं घूम रहा। अरे यार ये गाड़ी को क्या हो गया। अरे भाई साहब अब हमें मत गोते दिलवा यार, जल्दी से गाड़ी को बाहर निकालना। अब इसे चलना तो चाहिए भाई, पता नहीं ये क्यों नहीं चल रही। और ये क्या हो गया, वाकई नहीं चल रही भाई ये तो, अब क्या करें। अरे फैमिया आपने खराब कर दी चौप की गाड़ी। अरे मैंने इसका क्या खराब कर दिया। अरे फैमिया आप ही तो पानी में लाए इसे। अरे मैंने तो समझा था भाई ये पानी में चलेगी, लेकिन गाइस ये तो पानी में चल नहीं रही, यहाँ तो अटक गई। अरे भाई अब रिपेयर करके दे मेरे। ओ भाई साहब किसी ना किसी तरह हम लोग इसे किनारे पर तो ले आए हैं, अब चौप नहीं छोड़ने वाला मुझे। अरे भाई तूने मेरी गाड़ी खराब की, अब जल्दी से रिपेयर कर इसे। अरे मैं थोड़ी ना रिपेयर करूंगा, कस्टम शॉप से रिपेयर करवानी पड़ेगी। अरे भाई तेरे को मैंने इतनी बार बोला कि मत ले जा इसे पानी में, लेकिन तूने मेरे एक भी नहीं सुनी और मेरी बेचारी बर्गर कार खराब हो गई। अरे चौप रो क्यों रहे यार, ठीक हो जाएगी ना। अरे सिंचा तू नहीं जानता मेरे दिल पे चोट लगी है, अब जल्दी से रिपेयर भी करवा के दे। अरे चौप क्या कर रहे भाई, दिलवाई भी तो मैं नहीं है। अरे भाई दिलवाई तूने तो मैं क्या करूँ, अब जल्दी से रिपेयर भी करवा के दे जल्दी से। अरे हाँ ठीक है भाई रिपेयर करवा देता हूँ। तो अभी इसके लिए हमें ट्रक लाना पड़ेगा जिस पर इसे लोड करके कस्टम शॉप पर ले जाना है, तो वहाँ से ठीक होगी अब। अरे हाँ जो भी कर रहे है जल्दी कर, हम लोग यही वेट कर रहे हैं तेरा। अरे ज्यादा ऑर्डर मत कर नहीं तो तेरी भी पुंगी बजा दूंगा, आराम से जा रहा हूँ ना। अरे हाँ भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से मैं ट्रक लाता हूँ और इस बर्गर कार को उस पे लोड करके लेके चलते हैं कस्टम शॉप पर। ये पहुंच चुके हैं भाई कस्टम शॉप में। अरे पता नहीं मेरी ये प्यारी बर्गर कार कब ठीक होगी। अबे रो क्यों रहा है भाई, अब ठीक हो जाएगी ना, सब्र रख थोड़ा सा। और चोप योर बर्गर कार इज रेडी नाउ। अरे बाप रे मजा आ गया यार इसे देखकर। अरे हाँ अब तेरी जान में जान आई होगी। अरे हाँ भाई सब मजा आ गया देख के, अब जल्दी से इसे लेके घर चलो, ज्यादा नौटंकी मत करो। अरे हाँ भाई नौटंकी नहीं कर रहा, जल्दी से बैठो फिर चलते हैं। तो चलो गाइस अब चलते हैं जल्दी से घर पर। और जाते जाते वैसे एक बार इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर ही लेते हैं भाई, कितनी टॉप स्पीड है। और ये वाले रास्ते नहीं भाई, वो ऊपर से करते हैं टॉप स्पीड इसकी चेक। तो चलो अब टाइम है इस बर्गर कार को भगाने का। अरे लेकिन आराम से भगाना, किसी में ठोकना मत। अरे हाँ भाई आराम से ट्राई तो करूंगा अपनी तरफ से। और फाइनली 112 117 120 अबे शिट यार ये गाड़ी कहाँ से आ गई यार, सारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई इसकी लगता है टॉप स्पीड 150 है। अबे नहीं 150 तक मुझे लगता है आसानी से चली जाएगी, लेकिन भाई यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, तो अभी मुझे लगता है इसे घर पर ही लेके जाना पड़ेगा। टॉप स्पीड का तो सारा सत्यानाश हो गया, लेकिन अपने गैराज में तो ये आराम से आ जाएगी गाड़ी। अरे थैंक यू, हाँ यार और मजा भी आएगा। अरे हाँ और जल्दी से तुम लोग उतरो भाई, से गैराज में पार्क करना है। अरे भाई मैं करता हूँ ना। अरे भूल गया तेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है। अरे बापरे अब क्या मैं अपने गैराज में भी लगा नहीं सकता गाड़ी। अरे नहीं नहीं अभी नहीं भाई, जल्दी से उतर नीचे। अरे फैमिया हाँ हाँ यार ऐसे बैग जाने दो। ओके 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 घुस जा भाई, घुस जा गैराज में। और फाइनली अपनी बर्गर कार गैराज में फिट आ गई। अरे फैमिया हाँ यार ये तो मजा आ गया। और हमारे गैराज में गाइस फर्स्ट टाइम बर्गर कार, और जो के चोप की है। अरे हाँ भाई क्यों मजेदार है ना। और इस बर्गर की भाई दो आंखें भी है। अब बता चोप कैसी लगी तेरे को ये दोनों कार। अरे भाई साहब दोनों ही मस्त है यार, वो पूल कार तो बड़ी खतरनाक है और ये भी कोई कम नहीं है बर्गर कार भी। जी हाँ गाइस ये है पूल कार, यहाँ पूल में नहाने का तो मजा ही। और ये आंटी जी कौन आगे बैठ गई। अबे आंटी जी, अरे चोप ये देख भाई। अरे भाई क्या हो रहा है, मेरी गैर मौजूदगी में कौन बैठ गया मेरी गाड़ी पे। अबे पता नहीं कौन ये आंटी आगे बैठी हुई है भाई, निकल यहाँ से। अरे भाई भगा भगा यहाँ से इसे। और चोप इधर आ भाई, ये सारा पानी भी सूख गया ट्रक के अंदर से। अरे फैमी क्या बात कर रहे हो। अरे हाँ भाई पूरा मुझे लगता है धूप में पानी सूख गया, यहाँ किसी ने भाई निकाल दिया है यहाँ से। अरे ये किसने कर दिया यार, किसकी हरकत थी। अरे पता नहीं भाई गर्म पानी था, चल कोई नहीं भाई गर्म पानी था इसमें, नेक्स्ट टाइम ठंडा पानी डालेंगे मजा आएगा फिर। अरे फैमिया हाँ हाँ यार। तो चलो गाइस आई होप आपको ये दोनों कार आज की पसंद आई होगी। इनमें से आपको ज्यादा अच्छी कार कौन सी लगी, पूल कार या फिर बर्गर कार, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आई होप आपको आज की हमारी ये गेम प्ले पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अरे हाँ भाई साहब आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, आज तो मजा करवा दिया फ्रैंकलिन ने। जी हाँ गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो।